मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरी उज्जैन में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही जारी है और इसी कड़ी में नीलगंगा पुलिस ने देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो आगर से शराब लाकर उज्जैन में बेचता था। दरअसल उज्जैन की नीलगंगा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद गाड़ी में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही वाहन की तलाशी लेने पर उसके अंदर से 7 पेटी देशी शराब बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। उज्जैन पुलिस के द्वारा जो अवैध रूप से बेची जाने वाली शराब है उसको लेकर के लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है और इसी में एक थाना नीलगंगा में जानकारी मिली थी कि कोई आगर से कोई इलीगल वाइन बियर जो शराब आती है और उसका विक्रय क्षेत्र में होता है। इस जब उसको चेक किया गया तो उसमें एक फोर व्हीलर गाड़ी और अवैध शराब मिली है, उसमें 34 दो एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।